सभी को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी नेशनल सेंटर ऑफ मेडिसिन USA वहाँ से ली गई है, और जो अनदर ऑथेंटिक सोर्सेस और बुक्स हैं सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलेगी उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये मैन मेड अपनी बनाई हुई इन्फॉर्मेशन में से कोई भी नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आज हम देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का क्या क्या कारण है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि बिना कारण जाने हम सिस्ट का इलाज नहीं कर सकते। मेडिसिन चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, तो किसी भी सिस्टम में अगर हम कारण का इलाज नहीं करेंगे तो उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीमारी है वो किसी कारण की वजह से हुई है। तो आज हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जो आपको शायद ना मालूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PCOS में होता क्या है। PCOS में एंड्रोजन हार्मोन की बहुत ज़्यादा मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उनकी मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है ये नॉर्मल पीरियड लाने के लिए फीमेल में होने ज़रूरी हैं। जब इनकी मात्रा कम हो जाएगी तो पीरियड आने बंद हो जाते हैं और सिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एंड्रोजन के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो पीरियड आने बंद हो जाते हैं और सिस्ट हैं ओवरीज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेन कारण है एंड्रोजन हार्मोन का फीमेल्स के अंदर ज़्यादा बढ़ना। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है मेन, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो फीमेल के अंदर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कौन से कारण हैं जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो फीमेल के अंदर बढ़ जाता है। तो सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन छोड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो स्ट्रेस की वजह से जो गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती हैं। उनके बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने की वजह से एंड्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी वजह से पीरियड आना बंद हो जाते हैं और सिस्ट है बहुत ज़्यादा इमेच्योर सिस्ट बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, एक फॉलिकल सेल है जो एग है वो अंडेदानी से निकलता है और उसके बाद पीरियड आ जाते हैं। तो PCOS में क्या होता है, जो एग है वो एंड्रोजन की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से अंडेदानी में से निकल नहीं पाता और वहीं पे उसका सैक और उसके अंदर फ्लूड है वो फिल हो जाता है। तो इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि फैटी लिवर है। फैटी लिवर की वजह से भी जो सैक है और जो मैच्योरेशन ऑफ एग्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और इमेच्योर एग्स ओवरी में ही पड़े रह जाते हैं और पीरियड नहीं आ पाते हैं। तो उसके बाद है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ने से, जैसे कि हमारी डाइट में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जैसे आलू हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, उनसे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ना भी हानिकारक है। उससे क्या होता है, एंड्रोजन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। और उसके बाद करते हैं बात हम थायराइड की। थायराइड की वजह से भी सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, अगर खास करके हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको। और एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इसके बाद आ जाते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, ये हमारे खाने में कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे प्लांट से ले लेते हैं सारी चीज़ें। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये भी हार्मोन डिस्टर्बेंस करते हैं। ये सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, ये सारे एंड्रोजन की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है ओबिस्टी। ओबिस्टी की वजह से भी सिस्ट फॉर्मेशन बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर मेन फार्मूला क्या है। तो इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन है वो नॉर्मली एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना होता है,
ये जो एंड्रोजन बढ़ा हुआ है इन सभी बीमारियों की वजह से, वो नॉर्मली क्या होता है बॉडी में, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना होता है, जिससे सिस्ट नहीं बनते और नॉर्मल पीरियड आने लगते हैं। तो इसके अंदर इसको टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी में एक इंजाइम होता है अरोमाटोज। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो अरोमाटोज की एक्टिविटी को बंद कर देते हैं और टेस्टोस्टेरोन जिसकी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है औरतों वाले हार्मोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन होता है, इसकी वजह से जो मेल फीचर हैं वो आ जाते हैं फीमेल के अंदर। जैसे फीमेल के अंदर जो हेयर ग्रोथ है चिन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन। तो जैसे कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, ये अरोमाटोज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, इसका काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद सिस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए कि कौन सी चीज़ें अरोमाटोज की एक्टिविटी को कम करती है, खाने पीने में कौन सी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली एंड्रोजन को बढ़ाती हैं टेस्टोस्टेरोन को, और कौन सी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी कर देती हैं, इन सभी कारणों का हम ध्यान रख के फिर ही हम उसके बाद पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि डायरेक्टली हम कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें पीसीओएस के लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, एक दो बार पीरियड नॉर्मल आएंगे उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा। ऐसी एलोपैथी में है, इंग्लिश इलाज भी ऐसी है। तो हमें कारण का इलाज करना है, पता करना है स्ट्रेस की वजह से है, फैटी लीवर की वजह से है, ब्लड शुगर की वजह से है, थायराइड की है, या एंडोक्राइन है, या ओबिस्टी है, या अरोमाटोज की एक्टिविटी कम हो गई है। तो इन सभी को हमें ठीक करना है, फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वो ठीक हो जाएगा। तो इन सभी का हमने ध्यान रखना है ट्रीटमेंट के दौरान, और पूरे टेस्ट से और डायग्नोसिस बना के ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आगे कभी भी कोई दिक्कत ना हो।